नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। बड़े प्यार से फिल्म बनाई, जबकि आज के दौर चल रहा है उसमें फिल्म बनाना एक अलग बात है, थिएटर तक जाना बहुत बड़ी बात है। मैं पूरा क्रेडिट हमारे जो सरकार को देता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से आज मतलब उस फिल्म को लोगों तक पहुँचाया। मुझे उम्मीद है कि फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। पार्ट ने फर्स्ट टाइम बहुत ही प्यारा रोल किया है, श्यामल जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, और आपको फिल्म देखते वक्त ये नहीं लगेगा कि नया बैनर है या नए लोग हैं। तो मुझे म्यूजिक देने में बड़ा आनंद आया, मुझे लगता है कि इसका म्यूजिक भी हिट होगा। बहुत अच्छा लगा फिल्म देख के, बहुत अच्छी है, मेरी मनपसंद जैसी बनी है। और मैं अपने डायरेक्टर जी को, श्यामल के मिश्रा जी को, हमारे राइटर हैं, क्रिएटिव ड्राइवर, पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और अच्छे से लोग, और मेरा विश करता हूँ सबको पसंद भी आएगी है और अच्छे भी आएगा। तो पार्ट एक्शन सीन काफी है, तो उसमें कितना बड़ा चैलेंज था आपके एक्शन सीन करने में? इट वाज नॉट प्रीटी हार्ड, ज्यादा हार्ड नहीं था मुझे, बट हाँ क्लाइमेक्स सीन में जैसे शाहबाज खान जी उनके साथ मेरे सीन्स थे मोस्टली, तो उन्होंने भी हेल्प करी कैसे करने और अच्छे से हो गया। और आगे चल के कैसे एक्टिंग का कैरियर देख रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या करना चाहते हो? अभी तो पहले मेरे स्टडीज पे मेरे को ध्यान देना, अभी मैं ग्रेजुएट में ही हूँ, तो पहले स्टडीज करनी है, बट इफ आई वांट अ चांस अगेन तो ट्राई करूंगा नेक्स्ट ईयर। तो एक्टिंग के लिए ऑडिशन वगैरह दे रहे हो, क्या कर रहा है? ऑडिशन वगैरह तो ऐसे मैंने कुछ दिए नहीं है, मेरा प्लान नहीं है अभी ऐसे करने का। कभी ब्रेक लेना चाहते हैं एक्टिंग करियर? हमारी जरूरत भी थी और मुझे लगता था कि हमें अच्छे तरीका से प्रचार करना चाहिए, जो सभी फिल्म दर्शकों को अच्छा लगे, अच्छी मूवी देखने को मिले। तो जो चुनौती आपको देखनी पड़ी कि फिल्म के रिलीज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, उसके बारे में बताइए कि वो चुनौती कितनी बड़ी थी आपके लिए? चुनौती कुछ भी नहीं थी, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे हमेशा आएंगी, और उनको फेस करने की मेरी आदत पड़ गई है, तो मुझे कभी भी चुनौती लगा नहीं। और ये बहुत बड़ा एज अ डेब्यू के चीज से पहले मैं तो काम कर चुका हूँ, एज अ डेब्यू पार्ट में जो काम किया है मुझे बहुत पसंद है। मतलब पर्सनली मुझे, मैं एज एन एक्टर नहीं देख रहा था फिल्म, मैं एज अ क्रिटिक, एज अ ऑडियंस फिल्म देख रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। पार्ट ने बहुत अच्छा काम किया और सुप्रीम बहुत कंपोज साथ में जी, जो डायरेक्शन हुआ कमाल, मतलब टू गुड। एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने सबसे पहले ऐड करी थी कि इंद्र सर हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, जो हमारे साथ बात कुछ और सबसे पहले तो मैं शामिल करना चाहूँगा, जब से बहुत पहली बार चलते फिरते बोलते सुना है तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। और रही बात पिक्चर की, पार्ट की, पार्ट बहुत ही अच्छा काम करा है अपने साथ, बहुत अच्छा काम करा है उससे, बट पहली पिक्चर है और एक आर्टिस्ट उसमें दिखता है, मैं यही चाहूँगी कि वो आगे एक अच्छा फ्लॉरिश एक्टर बन जाए। और सब पूरी पिक्चर में सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है, मैं इंद्र से तो हमेशा मिस करता रहूँगा, मिस देखता हूँ, इंद्र जी से बच्चे बड़े हो गए, जैसे पोस्टर देखता हूँ या मेकिंग का पोस्टर देखता हूँ या हमारे सेट में सर सामने देखिए, जब तक देखते हैं पिक्चर देखते सर इधर ये सामने भी देखते हैं। और पार्ट का क्या करते हैं, पार्ट के डेब्यू फिल्म है, किस तरह से देखते हैं उसके करियर को आगे? सर पार्ट को अभी आप लोग देख रहे हैं ना, पार्ट पर पार्ट से लेकर सेट से थोड़ी कमी है, काले दिन से लेकर नया कमरा हम जब 13 साल रहे हमें कुछ पता भी नहीं था, बहुत बड़ी हम जब इंडस्ट्री में 25 साल के थे तब तक कुछ नहीं पता, पार्ट को उससे पहले पता काबिल तारीफ, मैं सोच भी नहीं सकता था क्योंकि छोटे से मुझे लगता है कि एक्टिंग ये भी कर रहा है, बट इस बनने ने बहुत कुछ कर लिया है और आने वाले दो गुणों का एक पार अवार्ड लेकर फिल्म क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज।